पुलिस द्वारा धुलाई कुटाई और पिसाई का ये वीडियो बिहार के अन्य जिलों से आई है। जी हां, 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगले 21 दिनों तक लॉकडाउन का पालन करने को लेकर जब से नरेंद्र मोदी लोगों के सामने आए हैं, मीडिया में मुखातिब होकर लोगों से गुजारिश किया, रिक्वेस्ट किया और उन्हें ये हिदायत भी दी कि अब जो लॉकडाउन होगा वो पहले से ज़्यादा सख्त होगा, पहले से ज़्यादा पावरफुल होगा और पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी समझा जा रहा है, जिसके लिए अब पुलिस वालों को भी हल्का बल प्रयोग करने की इजाज़त मिल चुकी है। लेकिन मनचले तो मनचले हैं, बेवजह बेमतलब का कुछ नहीं है तो कोई काम कराए, कुछ नहीं मिला तो कुछ खरीद आए, कुछ नहीं मिला तो कहीं घूम आए, कुछ नहीं मिला तो मार खाते लोगों को देखने आए महाशय भी लोगों के कतारों में खड़े होकर मार खाते नजर आए। जी हाँ, ये हैं हमारे बिहार के लोग। जब आपको पता है कि कोरोना वायरस का तोर अभी तक कोई नहीं निकला है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया और दुनिया के बड़े बड़े देश जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं पूरी दुनिया में नंबर 1 और 2 क्लास पे चल रही है, वो भी परेशान हैं, रो रहे हैं, उनके यहाँ मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन ये ऐसे महाशय लोग हैं जो देखने पहुँच जाते हैं, अपना जलवा दिखलाने पहुँचते हैं, तो फिर क्या है, उनका भी जलवा इस तरह से बिखेर दिया जाता है। ये इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की वीडियो बिहार के अन्य ज़िलों, कस्बों, प्रखंडों और तहसीलों से लगातार आ रही हैं। आखिर आप चाहते क्या हो? क्या आप कुछ दिनों के लिए एहतियात नहीं बरत सकते? क्या आप कुछ दिनों के लिए अपने घर में नहीं रह सकते? कहीं ऐसा ना हो कि आपका बाहर निकलना आपके अपने पराए, आपके घर, आपके समाज के लिए मौत का कारण बन जाए और आप समाज में मरते हुए भी रुसवा हो जाओ। अगर आपको हमारा न्यूज़ पसंद आता है तो लाइक करें हमारा फेसबुक का ये पेज और हमारे इसी नाम के द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़।